बाबा खाटू श्याम के चाहने वालों ने काशीपुर के रामलीला मैदान में विशाल कीर्तन एवं भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। काशीपुर में खाटू श्याम का विशाल कीर्तन एवं भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा खाटू श्याम के दरबार को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। पूजा अर्चना के उपरांत बाबा खाटू श्याम की ज्योत प्रज्वलित की गई। बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए हजारों लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। कार्यक्रम में प्रसाद वितरण किया गया। संकीर्तन में गायक दीपक लखा, वंश की गुप्ता, नागेन सूर्यवंशी के साथ कलाकारों ने भजन और कीर्तन की प्रस्तुति दी। कीर्तन का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उसके विषय में केवल एक ही बात कहूंगा कि बाबा का जो प्रभाव है और बाबा का जो आशीर्वाद है, काशीपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो आपने खुद महसूस करा होगा, लाइन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और किस संख्या में श्रद्धालु और श्याम प्रेमी यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं और बाबा के संकीर्तन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आपने खुद महसूस किया होगा। मैं तो उन लोगों से भी केवल यही निवेदन करूंगा, जो लोग खाटू श्याम जी को नहीं जानते हैं, वो एक बार अवश्य खाटू जाएं, बाबा की महिमा को जानें, बाबा का गुणगान करें, बाबा की भक्ति में लीन हो। खाटू श्याम बाबा के बारे में एक कहावत है कि जो हारा उसका सहारा, खाटू बाबा हमारा, ऐसी एक कहावत है। और आज खाटू श्याम बाबा का यहाँ कीर्तन हो रहा है, आज पूरी जनता को मैं देख रहा हूँ, कितना उत्साह का वातावरण है। इस तरीके से खाटू श्याम बाबा की लगातार प्रतिष्ठा और समाज में कहना चाहिए कि उपस्थिति उनकी बढ़ती जा रही है। और जो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का जो संकल्प लेकर जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो इनके दरबार में आता है उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा का भव्य संकीर्तन काशीपुर में हो रहा है रामलीला ग्राउंड में, हम सभी से अनुरोध करेंगे खाली चली जाएंगे हमारे बाबा का ध्यान ध्यान करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।